टेक्निकल सुपरदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में सभी का स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ इस मोबाइल पे, यह है सोनी एक्सपीरिया M4 एक्वा ड्यूअल। हमने 3 साल पहले ख़रीदा था, अभी भी ये मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। दिन में 2-3 बार चार्ज देना पड़ता है और सब ठीक ठाक ही है। और स्टोरेज फुल हो गया क्योंकि वो तो बहुत कम स्टोरेज दिया और मेरा ऐप्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्टोरेज फुल हो गया। 16 GB इंटरनल मेमोरी तो और सब ठीक ही है। और मैं और एक प्रॉब्लम है, वो जो स्क्रीन का साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस है, वो बहुत ही अच्छा नहीं दिखता बेजल, बेजल। तो मैं इस मोबाइल पे मोबाइल लेने की तो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसे वोल्टी नहीं है और सेकंड बात बहुत ज़्यादा पड़ता है और अभी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। अभी 13,000 का है, अभी तो अवेलेबल नहीं, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे। इतना तो अच्छी बात है, इसका IP रेटिंग अच्छा है, वाटर प्रूफ का प्रोसेसर भी अच्छा है। उस टाइम पे इस मोबाइल पर बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन मार्केट मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुका है, मोबाइल इतना ज़्यादा आ गया, इस मोबाइल के कोई खरीदना नहीं सोचता है। अभी तो सोनी एक्सपीरिया A1 बहुत ही सारी कम दाम वाला महंगा ज़्यादा है, मिड रेंज लो रेंज का मोबाइल अवेलेबल है सोनी का, तो इसलिए इस मोबाइल तो अभी मत खरीद दीजिए। जो पुराना वाला मोबाइल है वो रहने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी तो अच्छा चल रहा है, सिर्फ बैटरी बैकअप थोड़ा कमज़ोर हो गया। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।